ब्रेक के बाद घूमता हुआ आईना में एक बार फिर आपका स्वागत है। डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने और कई लोगों के संक्रमित होने का सिलसिला थम नहीं रहा। स्वच्छता अभियान की हकीकत इन मच्छरों ने खोल कर रख दी है। अस्पतालों के भीतर और बाहर मरीजों की भरमार के बीच भी भाजपा और आप सरकार ने राजनीति करने की जगह निकाल ही ली है। भाजपा केजरीवाल सरकार पर लापरवाही का इल्जाम लगा रही है और केजरीवाल सरकार केंद्र पर असहयोग का। इस बीच एलजी नजीब जंग खुद विदेश यात्रा से लौट आए हैं और उन्होंने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी फिनलैंड से लौटने कहा है। मच्छरों का जवाब किसी को तो देना ही होगा। ऑल आउट रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? काम तो खैर राम भरोसे चलता ही रहेगा, लेकिन एक अच्छी खबर आई है रियो से, जहां पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। 4 पदक भारत की झोली में आ चुके हैं उनकी बदौलत, जिन्हें कभी विकलांग तो कभी दिव्यांग कहा जाता है। क्या इनका हौसला और हुनर सही सलामत लोगों से किसी भी तरह कम है? आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियां बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं, अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं। बेशक, और अब बात करते हैं गणेशोत्सव की। इस सप्ताह 10 दिनों के गणपति उत्सव की धूम के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ किया गया। अगले वर्ष तू जल्दी आ की घोष के साथ गणपति को विदा किया गया। पर्यावरणविदों की लगातार अपील रही है कि भक्ति में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न हो, लेकिन फिर भी जाने अनजाने जल थल और वायु प्रदूषण हो ही रहा है। गणेश विसर्जन पर आतंकवाद से सुरक्षा के लिए तो ड्रोन का इंतजाम हो गया, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा का इंतजाम हमें ही करना होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।